नमस्कार। लद्दाख में चीनी सेना के सामने भारतीय रणबांकुरों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील तवांग सेक्टर में तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान कहते हैं कि उनकी तैयारी पूरी है, एलएसी पर उनकी पैनी नजर है और चीन इस सेक्टर में कोई चालबाजी नहीं कर पाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई की टीम ने फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया है। यहां की एक लोकेशन पर आईटीबीपी की 55वीं बटालियन के कमांडर कमांडेंट आईबी झा ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कोई नहीं, और ये तो एक हम लोगों का आश्वासन है ना देश को कि मातृभूमि और पे मतलब किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है। और इसके लिए आप देखिए हमारे जवानों में जोश, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब वहाँ पे हमारी आईटीबीपी के जवानों ने बहुत ही जम के लोहा लिया था, मेरे जो अपने जवान हैं उनके मन में ये भावना है कि साहब उनको मौका मिल गया, हमें मौका नहीं मिला। तो तैयारी इस लेवल की हमारी है कि अगर मौका मिलेगा तो बहादुरी जो उन्होंने वहाँ पे दिखाई है उससे बढ़ चढ़ के बहादुरी दिखाने के लिए लोग यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। ये आप पेंगोंग लेक के घटनाओं के बारे में बात? हाँ, जो लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं, लेह क्षेत्र में जो अभी रिसेंटली घटनाएं हुई हैं, तो उस दौरान हमारे बहुत सारे साथियों को मौका मिला है कि जिसकी हम तैयारी लगातार साल भर करते रहते हैं और जिस उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथी हैं जो सब सुनते हैं हमारे जवान, तो उनको लगता है कि उनको एक अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें भी जब मौका मिले तो हम भी अपनी इस कर्म क्षेत्र में और रणभूमि में अपनी भी हम बहादुरी दिखा सकें हम लोग। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सीमा सुरक्षित है और सेना के हौसले बुलंद है। यहाँ पर जानकारी देते चलें आपको कि आईटीबीपी ने चीन के साथ जारी सीमा विवाद में अहम भूमिका निभाई है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर जवान मौजूद है। पेंगोंग झील के पास हुई कई झड़पों में आईटीबीपी के जवानों का कई बार चीनी सैनिकों से सामना हुआ है। आमने सामने की लड़ाई में कम संख्या होने के बावजूद आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। यहां पर एक और बात आपको बताते चले कि समाचार एजेंसी एएनआई की टीम जीरो पॉइंट के करीब तक गई जहां से चीनी सड़कें आसानी से देखी जा सकती थीं। आईटीबीपी के जवानों की पेट्रोलिंग के बारे में बताते हुए कमांडेंट झा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उससे अब भारतीय सैनिक तवांग सेक्टर में जीरो पॉइंट के काफी करीब तक पहुंच सकते हैं। एक राजनीतिक बात भी यहां पर बताते चले कि तिब्बत को लेकर पिछले 50 सालों से चीन भारत से नाराज है, उस लिहाज से तवांग सेक्टर एलएसी के सबसे संवेदनशील सेक्टर्स में से एक है। 1962 की जंग में यहीं से चीनी सैनिक काफी अंदर तक घुस आए थे। अब यहां भारतीय सेना की एक पूरी कोर काम करती है ताकि चीन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना भारत की सीमा की कैसे हिफाजत कर रही है और जवानों के हौसले कितने बुलंद हैं।